हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉन्टीना एल टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये मॉन्टीना एल टैबलेट जो कि एस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 70 रुपए है, जो कि इस टिप में 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे एक तो मोंटोलू का सोडियम एंड लिवोसिटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, और इधर देखते हैं मोंटोलू का सोडियम 10 mg, लिवोसिटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg अवेलेबल है। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ये एक एंटी एलर्जी टैबलेट है जो कि एलर्जी से होने वाले प्रॉब्लम को दूर करता है। नंबर 2 खांसी की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 बार बार छींक आना। नंबर 4 नजला हो, जुकाम हो, नाक से पानी बहना, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रॉब्लम सर्दियों में और बढ़ जाती है, तो उसमें भी फायदेमंद है। नंबर 5 शरीर में कहीं भी इचिंग हो, खुजली हो। नंबर 6 सीने में जकड़न हो खांसी की वजह से, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 7 गले में खराश हो, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं में प्रयोग कर सकते हैं इस टैबलेट को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। एडल्ट को एक टैबलेट लेनी है रात को सोते वक्त खाने खाने के बाद। कैसे लेनी है दोस्तों? एक टैबलेट लेनी है रात में सोते वक्त खाने खाने के बाद। और दोस्तों इस टैबलेट को लेने से हल्की फुल्की सुस्ती, नींद आने लगती है, इसलिए इसका डोज दिन में नहीं रात में दिया गया है, जो कि नींद वगैरह ना आए तो आप रात में ले सकते हैं इस टैबलेट को। और बच्चे के लिए सिरप अवेलेबल है, तो बच्चों को सिरप दी जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बात ध्यान रखें। नंबर 1 अगर आप पहले से कोई एंटी एलर्जी टैबलेट ले रहे हैं तो उसका यूज ना करें। नंबर 2 बार दफा आप एल्कोहल लेते हैं तो साथ में यूज ना करें। नंबर 3 लॉन्ग टाइम तक भी प्रयोग ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 4 यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि ड्राई माउथ, थकान, वॉमिटिंग, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस टैबलेट को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये थे आज का हमारा वीडियो मोंटीना एल टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों इस टैबलेट में और भी कई कंपनी के टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि मोंटेयर एलसी टैबलेट, लीकोप एम टैबलेट, मोंटीसिप एलसी टैबलेट, मोंटास एल टैबलेट, तो इत्यादि टैबलेट भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी अलग होती है बट वर्क और इंग्रीडियंट दोनों सेम होती है, तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।